दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार का गुरुवार को अंतिम दिन था। उत्तरी पूर्वी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी द्वारा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही रोड शो कर लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा। जगतपुर गांव के निवासी सुशील चौधरी, जो कि खुद भी इस चुनाव में प्रत्याशी भी है, हाल ही में वो भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया था। सुशील चौधरी भी इस रोड शो में शामिल हुए। सुशील चौधरी के समर्थकों की भारी भीड़ इस रोड शो में शामिल होने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि सुशील चौधरी के समर्थक तिमारपुर और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान मनोज तिवारी का जगह जगह स्वागत किया गया। किसी ने फूलों की वर्षा करी तो किसी ने फूल माला पहनाकर मनोज तिवारी का स्वागत किया। इसी कड़ी में जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ता चला गया, मनोज तिवारी का स्वागत भी होता देखा गया। आपको बता दें कि ये रोड शो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के केशव नगर से गुरुवार सुबह शुरू हुआ था। रोड शो 100 फुटा रोड से होते हुए बुराड़ी चौक और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियों होते हुए रोड शो का जहांगीरपुरी में संपन्न हुआ। मनोज तिवारी का रोड शो का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा, भाजपा समर्थकों ने श्री तिवारी का स्वागत किया। भाजपा समर्थक, सुशील चौधरी के समर्थक और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर बड़ी माला पहनाकर मनोज तिवारी का मुकुंदपुर में स्वागत किया। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब भाजपा नेता और समर्थक सुशील चौधरी से बात करी तो आइए सुनते हैं इस रोड शो के बारे में उन्होंने क्या कहा और लोगों का मनोज तिवारी को कितना समर्थन मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। आज जो है कि आपका रोड शो तिवारी जी का है, कहाँ से लेके चला ये और कहाँ तक होते हैं? ये केशव नगर से शुरू हुआ है, इब्राहिमपुर आपका ये बुराड़ी 100 फुटा रोड, बुराड़ी गड़ी से होता हुआ हिमगिरी इंक्लेव, मुकंदपुर, मुकंदपुर से जहांगीरपुरी, उसके बाद तिमारपुर विधानसभा, मुखर्जी नगर, गोपालपुर गाँव, वजीराबाद गाँव में जाके ये वहाँ से फिर जमुना पार में जाएगा। और इस काफिले को आप देखकर जनता का जो प्यार आप देख रहे हैं, हर तरफ भाजपा का कार्यकर्ता है, मोदी जी का कार्यकर्ता है और देश हित के लिए वोट करने के लिए तैयार है। टुकड़े टुकड़े गैंग को कोई वोट करने के लिए तैयार नहीं है, उनका बहिष्कार होगा। अब की बार हमारे मनोज तिवारी जी कई लाख वोटों से जीतने वाले हैं और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाले हैं। अब की बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की देवतुल्य जनता बहुत बड़ा एक इतिहास रचने जा रही है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से मनोज तिवारी जी का रोड शो काफिला चल रहा है, एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है। और हम निश्चित तौर पर अब की बार इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त कर दिखलाएंगे। ये कार्यकर्ताओं का जुनून देखते बना हुआ है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, क्या संदेश देना चाहिए आपको? मेरा सभी से एक ही संदेश है कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है नागरिक का सिंबल, उस पर कोई वोट न डाले। और भाजपा प्रत्याशी भाई मनोज तिवारी जी का जो सिंबल है कमल का फूल, एक एक घर से चुन करके पहले मतदान फिर जलपान, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और कमल का बटन दबा करके भाजपा को जिताए, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कीजिए ताकि हमारे देश में और भी अच्छे अच्छे कार्य हो, जैसा कि मोदी जी कर रहे हैं, हमारे माननीय सांसद जी कर रहे हैं। कितना लंबा काफिला है या अगर आप बताना चाहें कुछ, कितने किलोमीटर का है ये? करीब करीब आप यहाँ से देखेंगे तो 6 किलोमीटर केशव नगर जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ तक ये काफिला पूरा लबा लब भरा हुआ है। तो किस तरह से रास्ते में लोगों का रहा जो है? थोड़ी बहुत दिक्कतें देखो जब काफिला चलता तो आती है, लेकिन उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और काफिला हम रास्ता, पुलिस व्यवस्था पूरी बनी हुई है और अच्छी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से है, इसका मैं धन्यवाद करूंगा दिल्ली पुलिस को। और अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मैं यही निवेदन करता हूं कि वो संयम बनाए रखें, क्योंकि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ये चुनाव हमारा है, मनोज तिवारी जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, भारत का चुनाव है। कितने के मार्जिन से जीतने की बात कही जा रही है, क्योंकि कितने के मार्जिन से जो है बात की जा रही है? लगभग 5 लाख वोटों से तिवारी जी यहां से चुनाव जीत के जाएंगे। प्रत्याशी है, सारे भ्रष्टाचारियों ने ईडी गठबंधन बनाया हुआ है, एक आदमी ईडी गठबंधन में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर केस ना हो, जिसके ऊपर जमानत पे नहीं आ रहा हो, चाहे वो केजरीवाल हो, लालू यादव जी हो, अखिलेश जी हो, या फिर अपने राहुल गांधी हो, सारे जमानत पे घूम रहे हैं। लेकिन दिल्ली का शेर मनोज तिवारी कोई जमानत पे नहीं है, ना कोई दाग है, ना कोई धब्बा है, ना हमारे देवतुल्य जो मोदी जी है ना उन पे कोई दाग है। हमें ये खुशी है कि हम राष्ट्र के समर्पित मतदान करने के लिए जा रहे हैं, हम देशभक्ति के लिए मतदान करने के लिए जा रहे हैं, ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए।
बताया जाता है कि सुशील चौधरी भाजपा की विचारधारा वाले नेता माने जाते हैं, इसलिए वह इस उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से चुनावी प्रत्याशी होने के बावजूद भाजपा को खुलेआम समर्थन देने का ऐलान कर दिया और खुद भी भाजपा में शामिल हो गए थे। टोटल खबरें दिल्ली से, राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।